किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो जरूर डेवलप होना चाहिए कि आप उस चैप्टर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि अब वो अनसीन पैसेज नहीं रहा, अब वो सीन हो गया, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ लिया है। ठीक इसी प्रकार जैसे आपने चैप्टर पढ़ा लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड चैप्टर आपने पढ़ा, तो लेटर टू गॉड के अंदर पूरी टेक्स्ट हमने कराई, आई बटन में जाके आप देखेंगे तो वहां से ध्यान से पूरी टेक्स्ट पढ़ लेंगे। पूरी टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो व्हाट डिड अल्टीमेटली यू गेट, आपने क्या हासिल हुआ, हाउ मच टेक्स्ट डिड यू अंडरस्टैंड, आपको कितने टेक्स्ट समझ में आई, एंड व्हाट आर द मेन आइडियाज, हैव यू गॉट दैट पॉइंट, कि आपको मालूम पड़ा कि कौन कौन से थीम है, मेन आइडियाज है, कौन सा करेक्टर है, कैसे उसको एक्सप्लेन किया है ऑथर ने, जीएल फिंटेस ने लेटर टू गॉड में। तो जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के एक्सट्रैक्ट आते हैं, यानी कहीं से चार पांच लाइन चैप्टर में से इम्पोर्टेंट जो ना एग्जामिनर वहां से उठा लेगा और उसके नीचे आपको चार पांच क्वेश्चन दे देगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये होती है कि आपने जो ना उसको करने से पहले आपने सारी तो समरी आनी चाहिए, सारा चैप्टर आना चाहिए, सारे वर्ड मीनिंग आने चाहिए, सिनोनिम्स आने चाहिए, एंटोनिम्स आने चाहिए, चैप्टर के मेन इंसिडेंट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तब आप उसको कम्प्रीहेंड कर सकते हैं। स्किमिंग की ज्यादा आवश्यकता नहीं, मान लो आपको पांच लाइन दे दी और हो सकता है क्वेश्चन पांच लाइन में से ना हो, आगे पीछे से हो, उसके रिलेशन में हो। सबसे पहले चैप्टर का नाम अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, दूसरा उसके राइटर का नाम अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, तीसरा उसका थीम, चौथी इसकी समरी, पांचवी इसकी टेक्स्ट, छठे उसकी वर्ड मीनिंग, सातवें इसके एंटोनिम सिनोनिम्स, ये सब चीज अगर आएंगे तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आपको अभी थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं और उसके बाद फिर आप जो ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। यह वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन ए लेटर टू गॉड कक्षा अंग्रेजी छात्रों को पढ़ने के लिए एक सारांश प्रदान करता है। अपने समय के बेहतरीन मैक्सिकन लेखक जी डॉट एल फ्यूएंटेस ने ए लेटर टू गॉड लिखा। कुछ लोग दावा करते हैं कि आस्था पहाड़ों को हिला सकती है। यह कहानी भगवान में निर्विवाद विश्वास के बारे में है, लेकिन हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? यह कहानी संवेदनशीलता से पूछती है। अपनी फसलें खराब होने के बाद लिंचो ने भगवान को 100 पे ठीक है, ये वीडियो आप देख के पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, या तो मेन जो समरी मैंने बताई है वीडियो के साथ प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी आपको बताई, आप इन दोनों चीज को देख के आप डायरेक्ट हम चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे, लैपटॉप पे चलते हैं। देखो सबसे पहला पैसेज ये है, रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोस। पहले ये पढ़िए, द हाउस, हुज हाउस, लेंस, ओनली वन, वॉज देर एनी अदर हाउस, नो ओनली वन था, कोई घर नहीं था, वेयर इट वॉज सिचुएटेड, इन द वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, वट वन कैन सी फ्रॉम दिस हाइट, वन कैन सी रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड क्रॉप, the only thing the earth needed was what the earth needed or what did the earth want down below, ठीक है, shower, who is the main character, Lencho, who is Lencho, a farmer, what did he show, क्या उसने उगाया, corn, ये सारी चीजें आपने मालूम होगी। अब आपने ना आराम से, where he was looking intimately, sky towards the north east, इस साइड में देख रहा था वो नॉर्थ ईस्ट की ओर। सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नहीं देखे, हमने क्वेश्चन नहीं देखे अभी तक, हमने सिर्फ ये पैसेज को पढ़ा, और इस पैसेज से हमने क्यों इतनी जल्दी क्यों कर लिया हमने, क्योंकि हमने पूरी टेक्स्ट पढ़ ली है, पूरी समरी पढ़ ली है, पूरे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, पूरे वर्ड मीनिंग पढ़ लिए हैं, पूरे एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ लिए हैं। सारी चीज पढ़ने के बाद तो छोटी सी चीज होगी, ऐसे आप पहले क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन बना जाके अपने मन में लगा लो, इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 10वीं में डायरेक्ट ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। अब जैसे पहला है मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पूछ लिया ऊपर से, व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ, शावर,
सनलाइट नो, डाउन पावर यस, स और बी एस हो सकता है तो बोथ बी एंड सी भी हो सकता है, शावर भी चाहिए थे बारिश भी चाहिए थे, तो बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा, वेयर वाज लेंस लुकिंग टुवर्ड्स, किस साइड देख रहा था वो, ही वाज लुकिंग टुवर्ड्स स्काई। फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली, द हाउस सेट ऑन द लो ऑफ ए हिल क्रेस्ट। ये देखो, ये हम आपको दिखाएं, सेंटेंस एज इट इज है, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, तो ये आपने डायरेक्ट यहां से सेंटेंस दे दिया, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इस प्रकार आपने वो कर दिया, सो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ही होप फॉर रेन, ये ठीक है, द अर्थ नीडेड डाउनपोर, ये भी ठीक है, द अर्थ नीडेड एटलीस्ट अ शावर, ये भी ठीक है, डी ऑल, सारे उत्तर ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हैज मीनिंग ऑल, कौन सा वर्ड है इस पैसेज के जिसका मतलब होल, पूरा पूर्ण रूप से, तो आपने वापिस जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कोई वर्ड है इसमें, देखो ये देखो, एंटायर होना चाहिए यहाँ वर्ड, एंटायर, यस ये रहा एंटायर, जस्ट 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 एंटायर है ये, एंटायर रूल लेना, इसके में अंदर मिल जाएगा। ठीक है, हो गया ये। व्हाट डिड लेंसो प्रेडिक्ट, रेन। व्हेन डिड लेंसो स्टार्ट, रेन स्टार्टेड ड्यूरिंग द मील, जब वो खाना खा रहे थे डिनर। व्हाई डिड लेंसो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस, द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस एज दे वर हेल्पफुल फॉर द क्रॉप्स। Who said these words? These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. किसने कहा? लेंचो ने कहा। उत्तर क्या प्रॉब्लम है भाई? बड़े आसान है। ए पैसेज पढ़ो। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with flowers. पूरा पढ़ लिया, सारी चीज पढ़ ली। ठीक है। अब इसकी क्वेश्चन देखो। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ वॉज लेंसो फीलिंग, लेंसो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। ठीक है, वट हैपन टू लेंचोज फील्ड, इट वॉज स्पॉइल्ड बाई रेल स्टॉर्म। वट वर लेंचोज फीलिंग वेन द रेल स्टॉप, नथिंग, ही हैड बिकम वेरी सैड। इस प्रकार जो है ना, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपके एमसीक्यू जाएंगे या आपके डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जो आपने टेक्स्ट पढ़े, जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे थे उसके बीच बीच में जो ना ओरल कम्प्रीहेंशन था, ओरल कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन थे, 9, 7, 2, 9, 2, 11, 11 क्वेश्चन टेक्स्ट के अंदर थे, वो अच्छी तरह याद कर लो, वो पैराग्राफ के पीछे वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन ही है आपकी, तो उन क्वेश्चन को करोगे तो उससे पहले का पैराग्राफ जरूर पढ़ना है। ठीक है, एक और देख लो, बट इन द हार्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was single hope from the god. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Underline कर लो। ठीक है, single hope कौन सी थी? गॉड से। Remember, याद रखिए, no one dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरता। Why? Because God is great. That is what they say, ऐसा लोग कहते हैं, no one dies of hunger. कौन कहते हैं? लोग कहते हैं। ये पढ़ लिया हमने, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट और हु डिड लेंचो हैव फेथ इन, ही हैव फेथ इन गॉड। व्हाट डिड लेंचो डू, ही रोट ए लेटर टू गॉड। ठीक है, व्हाट इज द सिंगल होप लेफ्ट फॉर लेंचो, हेल्प फ्रॉम गॉड। विच वर्ड हैज द सेम मीनिंग ऑफ स्पॉइल्ड, टोटल लॉस, हमने पहले अंडरलाइन किया था, तो इस प्रकार जो ना आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन का पार्ट कर सकते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जितने पैराग्राफ करेंगे आप, ऐसे करो आप जो है टेक्स्ट पढ़ देता हो, एक पैराग्राफ आगे उसके नीचे क्वेश्चन बना लो, अपने आप क्वेश्चन बना लो, कहीं से क्वेश्चन किसी के बने बनाए मत लो, हर सेंटेंस का क्वेश्चन बना लो, जो भी मान लो कोई भी सेंटेंस है, जैसे गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली, हु रोट, लेंचो, टू हुम ही रोट, गॉड, आई विल गो हंग्री दिस ईयर,
व्हाट विल हैपन दिस ईयर, आई हु इज आई लेंजो। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट बनाते जाओ, पहला किताब जब टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाते जाओ। और अच्छा विद्यार्थी वही होता है जिसने वास्तव में अंग्रेजी सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, तो क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए, आप टेक्स्ट के ही क्वेश्चन बना दिए, जो भी पढ़ो उसका क्वेश्चन बनाना ना चाहिए, तब आपने मान लेना आपको लैंग्वेज आ गई। ठीक है, जैसा कि आपको मेरा तरीका, ये बताने का तरीका, मुझे जो मैंने बताया ना, हर लाइन का क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में होता है, इसलिए जो भी टेक्स्ट आप पढ़े उस सेंटेंस का क्वेश्चन बना लो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन याद करना है, सर मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, नहीं बेटा कुछ नहीं रहेगा, टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़िए, आई बटन में जाइए, जो मैंने पढ़ाई वो ध्यान से सुनिए, 51 मिनट का वीडियो है, वो एक वीडियो जिस बच्चे ने ध्यान से सुन लिया तो आप बाकी छोटी छोटी वीडियो देख के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 10वीं क्लास को पढ़ाना शुरू किया, पूरा सिलेबस हम आपका इसमें कराएंगे, और बेल बटन को हिट कर ले ताकि आपको मालूम पड़ जाए कौन कौन से दिन वीडियो आएगा, आपके काम का वीडियो है नहीं, क्योंकि 12th के भी डालता रहता हूँ वीडियो, 11th के भी, 10th के भी, तो ताकि आपको ये नहीं कि आप 12th का है तो आप 12th वाले को छोड़ दो, अपने 10वीं क्लास वाले वीडियो को ध्यान दीजिए। ओके, बाय बाय।